अच्छे दिन आने वाले हैं, लेकिन 2018 आधा बीत गया है और अगले साल लोकसभा के चुनाव हैं, लेकिन लोगों को अभी भी अच्छे दिनों का इंतजार है। केंद्र में मोदी और यूपी में योगी ने ये नारा काफी प्रचलित किया कि अच्छे दिन आने वाले। वहीं योगी सरकार दावा करती है कि प्रदेश में किसान, व्यापारी और जनता सब खुश हैं, लेकिन लगता है योगी जी आगरा के लोगों की बात भूल गए। तभी तो आगरा में 1000 लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी से पत्र लेकर इच्छा मृत्यु की मांग की है। ज्ञापन देखने के बाद पता चलेगा इच्छा मृत्यु, वैसे इसमें ऐसी कोई बात नहीं। भारत सरकार है, तमाम ऐसे भारत सरकार है, हमारी उत्तर प्रदेश सरकार, अगर इसमें ऐसी कोई बात रहेगी, एक अच्छा डिसीजन लेकर के सबका पैसा वापस कराने का यथासंभव प्रयत्न करें। दरअसल 1983 से सरकार के MCA और DCA विभाग से स्वीकृत होकर पल्स के साथ साईं प्रसाद, कल्पतरु, सहारा, ग्रीन टच आदि कंपनियों ने काम शुरू किया था, लेकिन 2014 में सेबी के अधिकार बढ़ने पर सेबी ने ऐसी सैकड़ों कंपनियों को बंद कर दिया और निवेशकों ने इन्वेस्टमेंट कंपनियों में अपना और अपने साथियों का पैसा लगवाया था। सिर्फ आगरा में 5 लाख निवेशकों का करीब 800 करोड़ रुपया अब इन कंपनियों में फंसा हुआ है और समय पूरा होने पर भी उन्हें पैसा वापस नहीं मिला। अब निवेशकों ने सरकार को धमकी दी है, अगर इस साल के अंत तक भी उन्हें अपना पैसा वापस नहीं मिला तो वो मतदान का बहिष्कार करेंगे। शहीद स्मारक आगरा में यहाँ पे जितने भी इन्वेस्टर्स हैं, जैसे प्राइवेट इन्वेस्टर्स हैं, तमाम कंपनियाँ हैं, जैसे PACL है, सहारा है, साईं प्रसाद, कल्पतरु वगैरह हैं, जो छोटे छोटे निवेशकों का पैसा जमा करते हैं और उनको लालच देते हैं कि हम 3 साल में अथवा 5 साल में इसको दुगना कर देंगे, और इसी परंतु तमाम लोगों ने पैसा जमा किया है, लेकिन आज उनके समय पूरे हो जाने के बावजूद, जैसे 5 साल 10 साल हो गए हैं, लेकिन उनको उनका पैसा रिटर्न नहीं किया जा रहा है। इसके एवज में आज सभी लोग धरना प्रदर्शन यहाँ पे कर रहे हैं। उसी से संबंधित इन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को एक ज्ञापन सौंपा है कि इनका जल्द से जल्द ये पैसा जो इनके पूरे हो गए इनको वापस कराया जाए और इन कंपनी के जो निवेशक हैं या जो इन कंपनी के मालिक हैं इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, क्योंकि ये सेबी से इनको अथॉराइज किया गया है। अतः इन लोगों ने विश्वास के साथ अपना पैसा जमा किया है भारत सरकार को, लेकिन चूंकि इनको पैसा नहीं मिल पा रहा है तो अतः ये इसके खिलाफ आज यहाँ धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं। इसकी बात हम ज्ञापन के माध्यम से सरकार को पहुँचाने का आज कष्ट करेंगे। अब देखने वाली बात ये होगी कि योगी सरकार और मोदी सरकार कब इस मामले पर सुध लेती है और इन 1000 लोगों की भी बात सुनती है कि इन लोगों का जो मेहनत की कमाई जो फंसी हुई है, क्या वो सरकार वापस दिला पाएगी या नहीं।